आज उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एसपी को शिकायत देने आई एक मां उनके कार्यालय के बाहर जोर जोर से रोने लगी। यह देख वहां मौजूद हर कोई स्तब्ध था कि आखिर यह माजरा क्या है। पूछने पर उसने रोते हुए बताया कि पहले से चल रहे अपहरण के एक मुकदमे में गवाही देने से रोकने के लिए उन्हीं आरोपियों ने मेरे 10 वर्षीय पुत्र का अपहरण कर लिया है। इसकी शिकायत लेकर जब संबंधित थाना गए तो उन्होंने मेरी बात सुनने की बजाय उल्टा मुझे ही हड़का कर वहां से भगा दिया। इसकी शिकायत लेकर पुलिस कप्तान के पास आए हैं, लेकिन मुझे अंदेशा है कि मेरे पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। यह पूरा मामला बिछवा क्षेत्र के ग्राम नगला बलू का है। यहाँ अपनी बहन के घर रहकर पढ़ाई कर रहा 10 वर्षीय गोपाल बीते दिन खेलने के लिए घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। परिजनों को पूरा शक है कि गोपाल का अपहरण उन्हीं लोगों ने किया है जिनसे उनका मुकदमा चल रहा है। परिजनों ने यह भी बताया कि आरोपियों ने उन्हें धमकी भी दी थी कि चल रहे मुकदमे में समझौता कर लो वरना इस बच्चे को उठा लेंगे। बच्चे के चाचा सत्यपाल ने बताया कि आरोपी अवधेश व उसके साथियों ने 8 साल पहले उसके भांजे धर्मेंद्र का अपहरण कर लिया था जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था। इसी को लेकर आरोपियों से मुकदमा चल रहा है। अब आरोपियों ने उसी केस में समझौता का दबाव बनाने के लिए मेरे भतीजे गोपाल का अपहरण कर लिया। इस पूरे मामले में पुलिस कप्तान कैमरे पर तो बोलने से बचते नजर आए, लेकिन मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कैमरा पर जरूर कही। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है और मासूम बच्चे को आरोपियों के चंगुल से कब छुड़ाती है। क्या है पूरा मामला, किस लिए एसपी साहब के रहा है? हाँ तो 13 तारीख लगी जगी अवधेश की गिलौंदा वारी की तो जी जा का तो का तो की जा अपन है बामे बनाए जा मेरी बात करवाए दे गवाई दे पाए दे ना फिर तेरे लड़ाई पकड़ कर पहले धमकी दे रहे हो आंगे और फिर अब जा का तो की अपन है बनाए जा सही सही गवाई दे भैया तब तेरे लौड़ा भाई देना दिए हम थोड़ा मेरे भतीजे की पकड़ कर ली है। पकड़ कर ली? हाँ पकड़ कर ली मैं भतीजे को। गवाई किस चीज की गवाई, क्या? अब धर्मेंद्र को मैं लला की पकड़ कर ली थी पहले। हाँ तो मैं लला की पकड़ कर ली थी अब जा का तो मैंने बने जाओ गवाई दब्बा ना तेरे जी रोड़ा ना दिया भतीजे कर ली। तो आप सूचना इसकी पुलिस को दी? आप पुलिस की सूचना दी ना यहाँ सुनी ना वहाँ सुनी बिछमा थाने में कौन ना सुनी। एसपी साहब के पास क्या कहा? अब गए तो थे एसपी साहब के पास जाके अपना पति ले आओ बिना के वारंट कटे हमारे भैया के गांव वाले लड़ाई झगड़ा हम पकड़ाए दो तुम जाकर तो हमें बंद कर दिए तो हम अपना लड़का हुई संगना बजा दौरी करता है ऐसा मेरे भैया ना आए जी हमारे छोड़ दिए। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से अतुल सक्सेना की रिपोर्ट।